मेहता का उल्टा चश्मा। भाई ब्रेक मार, ब्रेक मार। क्या बात है बच्चों, बहुत खुश लग रहे हो। हाँ दादाजी, आज टप्पू ने बहुत बड़ा काम किया है। अरे मुझे तो पता ही है कि मेरा टप्पू और उसकी टप्पू सेना बड़े काम ही करेगी। बोलो आज क्या किया दादाजी। आज टप्पू ने 10,000 का बंगार 13,400 में बेचा। अरे वाह वाह टपुड़ा, वाह टपुड़ा वाह, मुझे तुझ पे गर्व है। तुम्हें पता है बच्चों, हर दादा के लिए उसके पोते की छोटी से छोटी होशियारी भी बड़ा गर्व महसूस कराती है। इसी तरह बच्चों, अच्छे और सच्चे काम करोगे, हमेशा दूसरों का भला सोचोगे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे, हैं? बहुत बड़े आदमी बनोगे। दादाजी मेरे पापा भी कहते हैं कि जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा ना, तो मैं बड़ा भी हो जाऊंगा और बच्चे से आदमी भी बन जाऊंगा। गोगिलो। अरे बागा भाई को फोन करना तो रह गया, मैं फोन कर लेता हूँ। हेलो गुड इलेक्ट्रॉनिक्स। हेलो पापा, बांगा भाई को फोन दीजिए ना। क्यों अभी क्या है? सॉरी कहना है। क्यों, क्या किया तूने? उन्होंने जो भंगार वाले को भेजा था ना, उसके बारे में बात करना है। एक मिनट बागा। बागा। तेरा फोन। मेरा फोन? किस छोटे सेठ जी का है? नहीं। हाँ एक मिनट। हाँ छोटे सेठ जी। बांगा भाई सॉरी, आपने जो भंगार वाले को भेजा था उसके बदले हम लोग ने दूसरे भंगार वाले को भंगार बेच दिया। छोटे सेठ जी, ये तो बिजनेस है और बिजनेस में तो ऐसा होते ही रहता है। यहाँ दुकान में भी कई कस्टमर के घर तक LCD की डिलीवरी करने जाते हैं और एंड टाइम पर ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। बिजनेस में ये सब चलते रहता है। लेकिन छोटे सेठ जी, ये बाघा आपको सैल्यूट करता है। आप छोटे हो पर आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने मुझे सॉरी बोलने के लिए फोन किया। वाह, आप बिल्कुल अपने सुंदर मामा जैसे हो। थैंक यू बागा भाई। शेख। बागा। हो गई बात? ला फोन इधर दे। जी। टप्पू। हाँ पापा। क्या भंगार बचने में कोई गड़बड़ तो नहीं किया ना? भीड़े की कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। पापा भीड़े अंकल आपसे बात जरूर करेंगे, पर मेरी कंप्लेन करने के लिए नहीं, मेरी तारीफ करने के लिए। भीड़े और तेरी तारीफ? अरे पापा भीड़े अंकल क्या, आप भी मेरी तारीफ करोगे, ऐसी गुड न्यूज है। अच्छा क्या है वो गुड न्यूज? पापा आप सुनकर खुश हो जाओगे, आपके इस बिजनेसमैन बेटे ने सोसाइटी का भंगार भीड़े अंकल से 10,000 में खरीदा और बेचा 13,400 में। पापा अब आप मत कहना, ए टप्पू तू बड़ा होकर क्या करेगा। टप्पू एक एक मिनट ना पापा, एक मिनट, ये ले। हेलो जेठा अंकल, गोली बोलू छू। मैं क्या कहता हूँ, टप्पू इतना स्मार्ट है ना कि अभी से आपकी दुकान संभाल सकता है। एक मिनट टप्पू को फोन दे। टप्पू। हाँ पापा बोलिए। टप्पू कुछ बात समझ में नहीं आई, तूने भीड़े से 10,000 में खरीदा भंगार, 13,000 में बेचा, क्या मतलब, क्या बोल क्या रहा है तू? वो पापा हुआ यू के ऐसे। देख टप्पू, इस बार तो ना कर दिया ठीक है, लेकिन अभी ये तेरी उम्र नहीं है व्यापार करने की, अभी पढ़ाई में ध्यान देने का, ये बिजनेस सब बड़े होके करने का, ठीक है? और सुन, मम्मी बाहर गई है तो मस्ती मत करना, खाना बना के गई हो खा लेना। ओके पापा। और बापू जी कहाँ है? ये रहे, दूंगा फोन। नहीं नहीं कुछ काम नहीं है, उनको डिस्टर्ब मत कर भाई। हाँ चलो बाय। ओके पापा बाय। अरे टप्पू, मेन आदमी को तो खुशखबर देना ही भूल गए। कौन? भीड़ है अंकल। अरे हाँ काय झालं, क्यों बार बार मीटर को देख रहे हो? माधवी देखो ना, ये मीटर कितना फास्ट जा रहा है। रिक्शे वाले भैया जरा रिक्शा स्लो चलाना। ये होशियार, ये रिक्शा स्लो चलाने से मीटर थोड़ी ना स्लो चलेगा, मीटर में कुछ गड़बड़ है। कलता है ना, शांत बसा सा। हाय कितनी कड़क धूप है ना बाहर। ये तो अच्छा हुआ हम लोग स्कूटर पे नहीं है, वरना सेके हुए पापड़ जैसी हालत हो जाती हमारी। बस बस, मेरे स्कूटर पे भी कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है,
अगर मेरे स्कूटर की तारीफ नहीं कर सकते ना तो कम से कम उसकी बुराई तो मत करो। अरे वो प्लग बिगड़ गया था माधवी, अब देखना कल नया प्लग लगाऊंगा ना तो मक्खन जैसा चलेगा स्कूटर मेरा। सोनू मक्खन कभी चलता है? नहीं तो बस मैं आता। शिठला के घर से फोन। हेलो हेलो भिड़े अंकल, गोली बोलतो है। गोल्या भिड़े अंकल, एक गुड न्यूज है, सुनकर उछल पड़ोगे। हाड़ू चलो ए गोल्या, गुड न्यूज जल्दी बता, मैं वैसे भी ये रास्तों में खड्डों की वजह से उछल रहा हूँ। भिड़े अंकल, अभी आपको टप्पू को शरारती नहीं बिजनेस चाइल्ड कहना पड़ेगा। टप्पू ने बंगार 7,000 में बेच दिया। 7,000 में वाटलस माला कर दी ना गड़बड़, 10,000 का बंगार था 7,000 में बेच दिया। रिक्शे में हम लोग काय शांति शांति माधवी, 3,000 का नुकसान करवा दिया। इम्पॉसिबल है, टप्पू बहुत स्मार्ट है, वो नुकसान नहीं करवा सकता। ए, गप आता गप। अरे भिड़े अंकल, हम लोग ने बंगार 13,400 में बेचा है। काय ए गोया, क्या बोल रहे तू? अरे सच भिड़े अंकल, चाहे तो टप्पू से बात कर लीजिए। टप्पू? हाँ भिड़े अंकल। हेलो टप्पू, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मेरे दादाजी कहते हैं कि जीवन में हंसी मजाक तो होना ही चाहिए। कैसे? अरे भिड़े अंकल, बंगार सच में 13,400 में बिका है, पूरे 3,400 रुपए का फायदा हुआ है, अब ज्यादा गेम जाएगी। हाँ ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, लेकिन गेम लेने अकेले मत जाना, हम लोग कल जाएंगे साथ में, ठीक है? सोड़ी अंकल से बात हो चुकी है, वो आएंगे हमारे साथ। ओके भिड़े अंकल बाय। और सुनो, रख दिया फोन। दादाजी हम लोग सोड़ी अंकल के साथ गेम खरीदने जा रहे हैं, आप भी आइए ना हमारे साथ। नहीं नहीं टपड़ा, तुम लोग जाओ। अरे दादाजी प्लीज प्लीज आप आइए ना दादाजी, प्लीज प्लीज। अरे मेरी बात सुनो बेटा, तुम लोग जाओ। अरे मुझे अभी थोड़ी देर में मेरे यंग गोल्ड ग्रुप से मिलने जाना है। अरे तुम लोग जाओ जाओ बच्चों जाओ। ओके चलो फ्रेंड्स चलो। आज मेरे यंग गोल्ड ग्रुप में टप्पू सेना की होशियारी की बात करूंगा। अच्छा है, 10,000 का बंगार 13,400 में बेचा टप्पू ने, वेरी गुड। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा माधवी कि ये 3,400 रुपए एक्स्ट्रा कैसे मिला? झाला इसकी भी चिंता, इनका नाम ना चिंताराम ही होना चाहिए था। बुरा हुआ तो भी चिंता, अच्छा हुआ तो भी चिंता, नहीं चिंता चिंता चिंता। हाँ ठीक है, ये लीजिए ये भिड़े अंकल के पैसे। भिड़े भाई के पैसे? हाँ, और आपका फोन दीजिए ना, सोड़ी अंकल को फोन करना है। हाँ। टप्पू पापा आ गए। ओ बच्चों सॉरी सॉरी सॉरी, पर मुझे उम्मीद है मैं लेट तो नहीं हुआ। अरे पापा तुसी करेक्ट टाइम पर आ। और थैंक यू पुत्र, वैसे सारा बंगार तुम लोगों ने बेच दिया? हाँ। वेरी गुड, और कितने में बेचा भाई? 13,400 में। 13,400? ओए क्या बात है टप्पू सेना, वेरी गुड। अंजलि भाभी देखा, ओ हमारी टप्पू सेना दिन ब दिन होशियार पे होशियार पे होशियार होती जा रही है। Of course, sorry, भाई। I am proud of my टप्पू सेना। Thank you. अंजलि भाभी, और same to same dialogue. We all are proud of our beautiful होशियार टप्पू सेना। Thank you. Thank you, uncle. और welcome जी welcome. सोड़ी अंकल नई गेम खेलनी है, चले? ओ बिल्कुल भाई, ओ मेरे दोस्त की बहुत बड़ी गेम्स की दुकान है, ओ वहाँ चलते हैं और खरीदते हैं गेम। बाबा पकिया भाई कितना सारा भंगार लेके आ गए फिर? पकिया भाई स्कूटर का क्या करने का? एक काम कर, वो स्कूटर है ना एक मैकेनिक को बुला और उसको खोल दे। हाँ उसका साइड कार है ना,
वो अच्छा है, उसका अच्छा दाम आएगा, अच्छे दाम में भेज देंगे उसको, समझा क्या? जा फटाफट जा। ठीक है भगे भाई, मैं अभी मैकेनिक को बुला लेता हूँ। ठीक है, जल्दी कर फटाफट। मेहता साहब यकीन नहीं हो रहा, टप्पू ने भंगार 13,400 में बेच दिया। अरे वो बहुत स्मार्ट किड है, एक दिन तुम्हारी दुकान भी बेच देगा। है? अरे मेरे कहने का मतलब दुकान बेच के बड़ा शोरूम लेगा। हाँ वो बात बराबर, हमारे कच्चे में वो है, बचपन से ही क्या वो बिजनेस करने का खून में ही होता। हाँ बिल्कुल। अरे अरे भाई गुड इवनिंग गोकुल धाम। अरे बबीता जी कैसे है? आइए आइए आइए, गुड इवनिंग। अरे भाई कहाँ है, बच्चा नजर नहीं आ रहा, गेम्स लेके आए नहीं अभी तक? हैं गेम्स? अरे बच्चों ने फैसला किया है कि भंगार से जो भी पैसे मिलेंगे उससे वो क्लब हाउस के लिए रहे गेम्स लेने वाले हैं। अरे वाह, तो क्या है काम बच्चे? मेरी अभी भी रोशन से बात हुई है, वो लोग बस आते ही होंगे। अच्छा चाचा जी, एक काम बहुत अच्छा हुआ, ये सोसाइटी का सारा भंगार क्लियर हो गया। सही बात। जो काम बड़ों को करना चाहिए था वो बच्चों ने कर दिया। अरे मजाक कर रहा हूँ। बैडमिंटन के रैकेट्स लाए, क्रिकेट की किट लाए और स्किपिंग रॉक्स भी लाए, चेस वॉलीबॉल क्रेट और बहुत सारी चीजें लेके आए। और पापा हम लोग स्नूकर टेबल भी लाए। किसको लेके आए? स्नूकर, स्नूकर टेबल। वो टेबल पे ना बहुत सारे बॉल होते हैं और लकड़ी से उसे ऐसे निशाना मारते हैं। हाँ टीवी में देखा कभी ऐसा ऐसा करके चलते हैं। उसका टेबल तो बहुत बड़ा होता है। अरे वाह बच्चों, 13,400 में इतनी सारी गेम्स और स्नूकर टेबल भी। हाँ आंटी, क्योंकि स्नूकर टेबल हम लोग ने सेकेंड हैंड लिया, इसलिए 13,400 में सारी गेम्स भी आ गई और स्नूकर टेबल भी आ गया। क्या बात है। ओए आप सबको तो पता ही है स्नूकर टेबल बहुत महंगा आता है, लेकिन वो सेकेंड हैंड था और साथ में मेरे दोस्त की दुकान थी। मैंने कहा यार बच्चों के लिए छाड़ देना, उसने बहुत कम पैसों में दे दिया। अरे दोस्त था तो फिर फ्री में ले आता ना सोडी। ये बात भी सही है, उसको बोलता हूँ पैसे वापस मंगाता हूँ। नहीं नहीं सही नहीं गलत है, फ्री में कभी कुछ लेना ही नहीं चाहिए भाई। अरे दोस्त के आसे तो कभी नहीं। और चलो भाई चलो, और टेम्पो से सारी गेम्स उतारो। गेट के बाहर रिक्शा रुकने की क्या जरूरत थी, यहाँ तक आ सकते थे हम लोग खाना हजम करने के लिए। वाह खाने से पहले ही। ओए आजा भाई आजा, देख सारी गेम्स आ गई। अच्छा एक मिनट, मैं आज सबके सामने जेठालाल तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोला। वैसे मैं हमेशा टिपेंद्र की शिकायत करता हूँ, लेकिन आज मैं सबके सामने टिपेंद्र की तारीफ करूंगा। मतलब जिस भंगार की कीमत मैं 10,000 रुपए समझ रहा था, वही भंगार टिपेंद्र ने 13,400 में बेचा। क्या बात है टिपेंद्र, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं तारीफ के काबिल तो है। ओ बिल्कुल, यकीन नहीं हो रहा है आत्माराम जी ने सबके सामने एक तो टप्पू को टिपेंद्र कहा और उसकी तारीफ कर रहे हैं सबके सामने।
हाँ। कोई मुझे चिमटी काटो, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। क्या कर रहे हो मेरे भाई? यार लाल, तुमने तो कहा कि कोई मेरे को चिमटी काटो। अरे भाई, चिमटी काटने का भी कोई तरीका होता है, ऐसे थोड़ी कोई चिमटी काटता है। ये देखो, ऐसा काटते हैं। अच्छा भाई, हो गया एक बार, हो गया। अब भिड़े भाई, ये लीजिए आपके पैसे, 5,700। मेरे पैसे किस बात के? अरे ले लीजिए, आप ही के हैं। अच्छा, मतलब गेम्स खरीदने के बाद भी कुछ पैसे बचे थे। वाह वाह वाह, क्या बात है यार, कमाल है भाई भिड़े। अब जो पैसे सोसाइटी को मिले उसे भी तुम अपने पैसे समझने लगे। अरे नहीं, अंजलि भाई बताइए किस बात के पैसे है ये? वो मुझे नहीं पता, टपू ने दिए थे कि भिड़े भाई को दे देना करके। अच्छा, टिपेंद्र बेटा किस बात के पैसे है ये? भिड़े अंकल, सरप्राइज है। टिपेंद्र बेटा, तुम्हारा सरप्राइज हमेशा मुझे टेंशन देता है यार। हाँ भाई, मुझे भी। टपू, जल्दी बता ना किस बात के पैसे है बेटा ये? भिड़े अंकल, आपके लिए माधवी आंटी की खुशी खुशी है या टेंशन? मुझे कामी, अरे बोलिए ना। अरे माधवी की खुशी है मेरी खुशी, इसमें टेंशन किस बात का? लेकिन सरप्राइज क्या है? भिड़े अंकल, खुश होने की बात है, माधवी आंटी खुश हो जाएगी, ऐसा काम किया है टपू ने। टप्पू बेटा बता तो सही, सरप्राइज क्या है? अरे भाई टप्पू, जल्दी बता, अब तो हमारी उत्सुकता भी बढ़ रही है। सबकी सबकी भाई। ओए पिंकू, टप्पू गया। अब तो टप्पू पर बिजली गिरेगी। भिड़े अंकल, ये पैसे आपके स्कूटर के। स्कूटर के मतलब? भिड़े अंकल मुबारक हो, आपका स्कूटर भंगार में बिक गया। वो भी पूरे 5,700 में। कोई एक खबर हो सकता है किसी के लिए खुशखबरी, और वही खबर किसी दूसरे के लिए दिल का दौरा पड़ने का सबब हो, और यही हुआ है गोकुल धाम में। वो न्यूज जो टप्पू के लिए गुड न्यूज है, वो बॉम्ब बन के धमाका कर गई है भिड़े के दिमाग में। भाई भिड़े का स्कूटर बिक गया और उसे ये खबर मिल गई, मच गया कोहराम। अभी यहाँ पे वो घड़ी आ गई जो बचना चाहते थे हम लोग, जिस घड़ी से, वो घड़ी आ चुकी है। अब क्या होगा? भिड़े का गुस्सा अपने चरम पे होगा, मैं ये जानता हूँ। शिक्षक भिड़े अब क्या करेंगे? जब एक शिक्षक क्रोधित होता है तो बवाल तो आता ही। अब भिड़े के निशाने पे होंगे टप्पू और जेठालाल गड़ा, और जेठालाल के निशाने पे होंगे टप्पू। बहुत कुछ होने वाला है गोकुल धाम सोसाइटी के अंदर, हंगामा भी कोहराम भी। भाई यहाँ इतना सब कुछ होगा कि मैं नहीं जानता कि क्या क्या हो सकता है। मुझे ये भी नहीं पता कि भंगार वाला वो स्कूटर लेके कहां गया है, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये एक पुराना स्कूटर नई बनी सोसाइटी में भूचाल लेके आएगा। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वो भी पूरे 5,700 में। स्कूटर? अरे मुझे स्कूटर कूटे, अरे स्कूटर कहाँ है मेरी? भंगार में। अरे टप्पू, जेठालाल, मैंने टप्पू की तारीफ पे जो जो शब्द बोले थे मैं सारे वापस लेता हूँ। हाँ भाई, ले 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 ले, वापस ले ले। मेरा प्राण से पैरा स्कूटर बेच दिया इसने। अरे किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे तू, और किसको पूछ के तूने मेरा स्कूटर बेचा टप्पू? फिर तू का ही बोलू लोगों मधे, अरे मेरी मेहनत की कमाई का स्कूटर था वो। ओ पिड़ू, कोई गल नहीं यार, आगे भी मेहनत करके कमा के और दूसरा स्कूटर ले लेना। सॉरी प्लीज जेठालाल, मुझे स्कूटर चाहिए। कोई बात नहीं भिड़े, कल आना मेरे साथ, हम लोग जाएंगे दोनों, और 10,000 डाउन पेमेंट देके एक नया स्कूटर हम लोग बुक कर देंगे। 2 महीने में तेरे पास दूसरा स्कूटर आ जाएगा। जेठालाल ये रखो पैसे, और मुझे मेरा ही पुराना स्कूटर वापस चाहिए। नया स्कूटर दे रहा है मुझे, और इसे पूछो कि किसको पूछ के इसने मेरा स्कूटर बेचा है। टप्पू, बिना पूछे तूने स्कूटर क्यों बेचा? पापा, अगर मैं इनसे पूछता तो ये थोड़ी मुझे बेचने देते। तो इसका मतलब क्या, बेच देने का? एक मिनट टप्पू, तूने भिड़े अंकल को पूछे बिना उनका स्कूटर बेचा, ये बहुत गलत बात है बेटा। तो
दादाजी मैंने भीड़े अंकल का स्कूटर पूछे बिना इसलिए बेचा ताकि भीड़े अंकल की तबीयत अच्छी रहे और माधवी आंटी टेंशन फ्री रहे। पर मला काय झाले मरायला, मेरी तबीयत का क्या संबंध है यहाँ पे टप्पू? भीड़े अंकल, सुबह जब आप स्कूटर को किक मार रहे थे ना, तभी याद है हाथी अंकल ने कहा था कि ज्यादा किक मारते रहोगे तो आपकी सांसें तेज हो जाएगी और आपके हार्ट को भी तकलीफ हो सकती है। बिल्कुल करेक्ट। और तभी मैंने माधवी आंटी के चेहरे पर आपके लिए टेंशन देखा। फिर जब भंगार वाले अंकल ने आपके स्कूटर को खरीदने के लिए कहा, तभी मैंने सोचा कि आपके तबियत के लिए और माधवी आंटी की खुशी के लिए मैंने आपका स्कूटर बेच दिया। वाह टप्पू पुत्र वाह। फिर जब आप नया स्कूटर लोगे तो आपकी तबियत भी ठीक रहेगी और माधवी आंटी भी खुश रहेंगे। वाह टप्पू, तुम इतने इमोशनल हो। वो मुझ पे गया है ना बबीता जी, टप्पू एकदम मुझ पे गया है। वाह वाह टप्पू वाह, ये तो अच्छा किया उसने। अरे वाह टप्पू का वाह टप्पू, जेठालाल इस टप्पू को मेरी तबीयत की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे दयावा भी बोलती रहती है ना कि टप्पू के पापा को दुकान का बहुत टेंशन होता है, बहुत टेंशन होता है। तो कल को उठ के मैं तुम्हारी दुकान बेच दूंगा, वो तुम्हें चलेगा? टप्पू तुम्हारी वजह से यहाँ पे मेरा बीपी बढ़ रहा है। ओ पिड़ू, ओ थल्ले बैजा, ब्लड प्रेशर भी थल्ले बैजाएगा। अरे अब वेला रोज सुस्ता है। देखो भिड़े, समझने की कोशिश करो, माना कि टप्पू से गलती हुई है। हाँ, और भिड़े, टप्पू से जो गलती हो गई है उसके लिए मैं तुझसे माफी। नहीं दादाजी। क्या नहीं? दादाजी भिड़े अंकल से माफी नहीं मांगेंगे। तो क्या मैं मांगू माफी? नहीं, टप्पू ने गलती की है इसलिए भिड़े अंकल से टप्पू माफी मांगेगा। भिड़े अंकल सॉरी। देखो भिड़े, तुम्हारा गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। किसी की भी ऐसी कोई चीज बेच दे जो प्राणों से प्यारी हो तो आदमी को गुस्सा आता है। लेकिन देखो टप्पू ने जो किया वो समझने की कोशिश करो, उसने तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, उसके मन में तुम्हारे लिए भलाई थी, मतलब वो बच्चे की ऐसी भावना कि तुम्हारा भला हो जाए। देखो जो हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन भंगार वाले के पास जाके तुम्हारा स्कूटर वापस तो ला सकते हैं। सही बात है मेहता साहब, बड़े मास्टर हमें जल्दी से जल्दी भंगार वाले के पास जाना चाहिए। हाँ तो चिंता मत कर भिड़े, हम लोग भंगार वाले के पास जाएंगे, अगर 500,000 ज्यादा देना पड़ा तो वो भी देख के तेरा स्कूटर छोड़ा के लेके आएंगे। हाँ। टप्पू बेटा, ये भंगार वाले की दुकान कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं? टप्पू भंगार वाला कौन था? पता नहीं। अब एक मिनट, अरे भंगार वाले को कहाँ से बुलाया था बेटा? अब्दुल भाई ने बुलाया था। अब्दुल कहाँ है वो भंगार वाला? पता नहीं है? पता नहीं मतलब क्या हो, जो रास्ते पे घूमते हैं उसको पकड़ के लेके आया था। हाँ। अरे अरे क्या, हाँ भाई कैसे भंगार वाले को तू पकड़ के ले आया? अरे भंगार वाले विजिटिंग कार्ड लेकर थोड़ी घूमते हैं। गया मेरा स्कूटर, गया माधवी, इतने सालों से इतने प्यार से संभाल के रखा था स्कूटर, गया, अब क्या करूं मैं? भिड़े अंकल, हम एक काम कर सकते हैं, गांधी मैदान की तरह स्कूटर की भी शोक सभा करते हैं। भाई भिड़े, मुझे नहीं लगता कि अब तेरा स्कूटर मिलेगा, तो दुखी होना कैंसिल कर और ये स्कूटर को जरा भूल जा। पोपट भाऊजी। अरे भाई पोपटलाल क्या बोल रहे हो? नहीं 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 भिड़े, कल हम लोग जाएंगे और किसी भी हालत में भंगार वाले को ढूंढेंगे और तेरा स्कूटर वापस लेके आएंगे, चिंता मत कर। माधवी चल। अरे सॉरी माधवी भाभी। अहो बास, अभी कितना यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, आपको देखते देखते मेरी गर्दन में दर्द होने लगा है। अरे दर्द तो मेरे सीने में हो रहा है माधवी, मेरी स्कूटर को भंगार में बेच दिया, इस टप्पू ने आज सारी हदें पार कर दी। अरे बच्चा है वो। बच्चा? कोई बच्चा नहीं है वो, समझदार है समझदार, उसने जानबूझ के ऐसा किया है। देखिए आप इतना व्याकुल मत होइए। अरे व्याकुल ना हो तो क्या करूं माधवी, तुम तो जानती हो ना कि मुझे अपने स्कूटर के प्रति कितना लगाव है। ये पोपटलाल को जितना अपने छाते से प्यार है ना, उतना ही मुझे अपने स्कूटर से है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो बावरे की तरह सबको बताता रहता है और मैं नहीं बताता, मैं जाहिर नहीं करता। बरोबर है तुमसे, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ,
पर आप अभी ये समझ लीजिए कि उस स्कूटर का साथ इतना ही था। अरे क्यों समझूं माधवी, मैं ऐसा क्यों समझूं? अब भूल जाइए ना सब कुछ। देखिए मैं खाना बनाती हूँ, अब फ्रेश हो जाइए। नहीं नहीं खाना मुझे। ओ ऐसा कहा है? मेरा स्कूटर भंगार में बेच दिया है, पता नहीं अभी वो किस हाल में होगा। बेचारा भिंडी मास्टर आज दुखी हो गया। तो तेरी नादानी की वजह से कितना टेंशन हो गया मालूम है? चीठे भाई, इसमें टप्पू का क्या दोष, वो तो भला ही चाहता था ना। अरे लेकिन किसने बोला था इसको भला करने के लिए? तो तुझे भी किसने कहा था भला करने को? तुझसे बात कर रहा हूँ मैं। मैंने क्या किया? ये क्या किया भाई, भूल गया जीवला के बछड़े को? कौन जीवला, कौन सा बछड़ा? मुझे क्या मालूम जाता था? अरे नेता से क्या पूछता है, मुझसे पूछ, मैं बताता हूँ। तू जब टप्पू जीतना था तो तू भी भला करने गया था, लेकिन तुझसे भी उल्टा ही हो गया था बेचारा हमारा जीवला। एक रात जीवला के पिताजी आंगन में खटिए पे सोए थे और बाजू में रस्सी से एक बछड़ा बंधा हुआ था, तो इनको दया आ गई। बेचारा बछड़ा छोटा है, रस्सी से बंधा अच्छा नहीं लगता, तो आधी रात को जाकर इसने बछड़े की रस्सी खोल दी और उस बछड़े ने यहाँ वहाँ कूदा कूद करके वो जीवला के पिताजी को खटिया से नीचे गिरा दिया। बेचारे जीवला के पिताजी की हड्डी टूट गई। बापूजी ये क्या, मैं जब भी टप्पू को डांटने जाता हूँ आपके पास मेरे बचपन का कोई ना कोई किस्सा रेडी होता है। अरे जेठालाल, अरे इन किस्सों के अंदर शरारत मत ढूंढो भाई, इसमें बचपन की मासूमियत ढूंढो। नहीं भाई, हम और आप तो इसमें मासूमियत ढूंढते हैं, लेकिन वो भीड़े इसमें मासूमियत नहीं ढूंढते, उसका क्या, उसको तो ये सब शरारत ही दिखती है ना। जेठा भाई, मुझे पता है भीड़े भाई को बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन जो हो गया सो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं? एक काम कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। खाना खाना भाई। हाँ। लीजिए लीजिए, गरम थेपला खाइए। थैंक यू। चाचा जी आते। तू वापस आ गई? तू तो हॉस्पिटल में जयश्री के पास रात रुकने वाली थी ना? हाँ, पर मधुका किया गई तो। मधुमक्खी खा गई? किसे? नहीं नहीं नहीं, मधुमक्खी नहीं, मधुका की, जयश्री की गांव वाली काकी। तो वो काकी आई तो उन्होंने कहा, मुझे सुनाई दे रहा है और समझ में भी आ रहा है, जयश्री की काकी मधुका की गांव से आ गई तो। हाँ, तो उन्होंने जीत पकड़ी कि हॉस्पिटल में जयश्री के पास तो मैं ही रहूंगी। तो जयश्री ने मुझे कहा कि ना तू घर जा, कोई बात नहीं। जयश्री को बेटी हुई ना, उस खुशी में उसने बर्फी भेजी है, ये लीजिए। ओहो वाह वाह, लीजिए ना, और लीजिए। बहुत अच्छी है, बढ़िया है। बापूजी और टप्पू सो गए? बापूजी जरा जल्दी सो गए, कल सुबह वो शिरडी जाने वाले, अपने दोस्तों के साथ दर्शन कर ले। वो तो भिड़े के स्कूटर का जो टेंशन है उसकी वजह से मना कर रहे थे, मैंने बोला जाओ बापूजी दर्शन करके आओ, इधर कुछ नहीं मैं संभाल लूंगा। भिड़े भाई का स्कूटर का टेंशन क्यों, क्या हुआ? अरे हाँ, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है? नहीं, अरे भाई क्या हुआ, वो क्या कर रही है? दो मिनट जरा भिड़े बहन से बात कर लेती हूँ। वो भिड़े मेरे बारे में पूछे तो मुझसे बात मत करवाना। हाँ हाँ। हेलो। हाँ भिड़े बहन, मैं दया बोल रही हूँ। हाँ बोलिए दया भाभी। सॉरी। हाँ किस लिए? वो मुझे अभी अभी पता चला, टप्पू ने भिड़े भाई का स्कूटर भंगर वाले को बेच दिया। सॉरी भिड़े भाई को भी मेरी तरफ से सॉरी बोलना।
भिड़े भाई को बहुत बुरा लगा होगा नहीं? हाँ बुरा तो लगा है उनको, पर दया भाभी गलतियां तो बच्चों से ही होती है ना। आप मन पर बोझ मत रखना। हाँ थैंक यू भिड़े बहन, फोन रखती हुआ। क्या काम आती भाभी ने? भिड़े बहन का दिल बहुत बड़ा है, उन्होंने कहा कि गलतियां बच्चों से ही तो होती है। सचमुच भिड़े बहन बहुत समझदार है। माधवी भाभी तो समझदार है ही ना पहले से, और भिड़े समझदार नहीं है उसका क्या? भिड़े भाई बेचारे कहाँ से समझेंगे, भिड़े बहन जितना ही प्यारा था उनको वो स्कूटर। ये सब तेरे लाड प्यार की वजह से हुआ है, चाहे कुछ भी हो जाए तू टप्पू को कभी डांटती ही नहीं है ना। कल देखना। क्या? कल सुबह होते ही मैं टप्पू को ऐसा डांटूंगी, ऐसा डांटूंगी। कैसा डांटेगी जरा नमूना बता। देखो बेटा, देखो टप्पू बेटा, हमारी वजह से जाने अनजाने में भी कोई हमसे दुखी हो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, समझे बेटा? चलिए अभी आप सो जाइए और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, कल सुबह मैं टप्पू को जरूर डांटूंगी। टेंशन क्या मत लीजिए, टेंशन तो मेरा उपनाम है। बिचारे भिड़े भाई। मैं बघतो टप्पू तू? यही वो छड़ी है मित्रों जिसे देख के भिड़े के नेत्र विस्फारित हो गए, आंखें आश्चर्य के मारे चौड़ी हो गई या भय के, ये तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता क्योंकि भिड़े किस वजह से इस सख्ते में है ये तो भिड़े से ही पूछा जा सकता है। लेकिन ये बात तय है कि टप्पू के हाथ में ये छड़ी है और टप्पू और भिड़े का रिश्ता वैसा ही है जैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष का, ये दोनों कभी मिल नहीं सकते। लेकिन टप्पू आखिर ये छड़ी लेके क्यों गया है भिड़े के घर, टप्पू के दिल में क्या है ये तो टप्पू ही जानता है। टप्पू और छड़ी यानी मुसीबत की घड़ी, लेकिन आप लोगों के लिए हंसी की लड़ी, बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू
तू? भिड़े अंकल, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हैं? मतलब क्या क्या मतलब है तुम्हारा? टप्पू, ये सब क्या है बेटा? माधवी आंटी, मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरी गलती की वजह से भेड़े अंकल का स्कूटर भंगार में गया। भेड़े अंकल आप मुझे पनिश कीजिए, ये लीजिए। ये पनिश मांगने आया कि देने आया? वो आशक है, वो माफी मांग रहा है आपसे। ये ऐसे हाथ में छड़ी लेकर रात को 1 बजे? भिड़े अंकल, मुझे पता था कि आप सोए नहीं होंगे, जाग रहे होंगे स्कूटर को याद करके। कितनी गोड़, देखा आपके बारे में कितना सोचता है। है? वो उसको अफसोस हो रहा है। हूँ क्या हूँ? तो डोमले तो अफसोस, और तुम्हारे अफसोस करने से मेरा स्कूटर वापस नहीं आने वाला टप्पू। तुम जाओ, वरना मैं तुम्हें सच में पनिश कर दूंगा। तो कीजिए ना, इसीलिए मैं आया हूँ। शाबाश टप्पू। माधवी, मी काय म्हणते टप्पू, ये बहुत डिस्टर्ब है, तू घर जा भी, हम लोग कल बात करेंगे। हाँ बेटा, ठीक है। भिड़े अंकल, आप भले ही मुझे पनिश ना करें, लेकिन टप्पू अपने आप को पनिश करेगा। आज से टप्पू ना कंपाउंड में ना क्लब हाउस कभी नहीं खेलेगा, कभी नहीं खेलेगा। ओ, ये कैसा निर्णय लिया है उसने? वो बिचारा तुम्हें अभी भी उसकी पड़ी है माधवी? अरे यहाँ पे मुझे ये सोच के नींद नहीं आ रही है कि मेरा बिचारा स्कूटर किस हाल में होगा। सबसे पहले भंगार वाले को ढूंढना है मुझे। अभी ये होशियार अभी नहीं, अभी जाऊंगा मैं भंगार वाले को ढूंढने, कल सुबह जाऊंगा। टप्पू पुत्र, यार पिलिया, हाँ मैं तो परेशान हो गया, सवेरे से कुछ हाथ नहीं लगा। ये जो सवेरे से हाथ नहीं लगा है ना, ये सब तेरी वजह से। मेरी वजह? फिर कैसे? उधर दोपहर में मुझे भेज दिया मोटरसाइकिल चुराने के लिए। हाँ, वो हवलदार का मोटरसाइकिल निकला। लास्ट मोमेंट पे अगर हवलदार नहीं दिख गया होता तो आज जेल में चक्की पिस रहे होते। सॉरी यार। क्या सॉरी, होता है कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन खोजना तो बंद कर। तुझे पता है ना कालिया, जब तक ये हाथ कोई चोरी का माल नहीं लग जाता तब तक हाथ की उंगली खत्म नहीं होती यार। लिया, हाँ तेरी खुजली की दवा मिल गई। किधर? वो सामने देख। सही बोल रहा है, छोटा है लेकिन अपना 2-4 दिन का काम तो चली जाएगा, है ना? है? उठा लेते, क्या बोलता है? पक्का? Okay.
टप्पू के पापा उठिए, उठिए टप्पू के पापा, जल्दी उठिए टप्पू के पापा। कहाँ आग लगी है? अरे आग नहीं, टप्पू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। टप्पू मिस्टर इंडिया हो गया? अरे दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा मतलब टप्पू कहीं मिल नहीं रहा है। सुबह सुबह तुम लोग खेला छुपा छुपी, मुझे नहीं खेलना है। अरे टप्पू घर में, कंपाउंड में, क्लब हाउस में कहीं पर भी नहीं है। अरे बापूजी उसे अपने साथ शिरडी ले गए होंगे। अरे बापूजी जा रहे थे तब मैं उनके लिए चाय बनाने उठी थी, तब तो टप्पू अपने कमरे में सो रहा था। तो अचानक टप्पू कहाँ चला गया? अरे वही तो पूछ रही हूँ। टप्पू, 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 टप्पू! अरे वो कंपाउंड में, गार्डन में कहीं पर भी नहीं है। कहाँ है? वही तो नहीं पता। ये भगवान, ये लड़का। मेहता साहब, ओ मेहता साहब। मेहता साहब को कैसे पता होगा टप्पू के बारे में? टप्पू के बारे में नहीं। तो? अंजलि बाबी, मेहता साहब कहाँ है? वो तो उनके बॉस का फोन आया था और अर्जेंट ऑफिस बुलाया तो ऑफिस चले गए। क्यों, क्या हुआ? ये क्या हो रहा है आजकल, जब भी मुझे उनकी जरूरत पड़ती है वो जगह पे रहते ही नहीं है। क्यों, बात क्या है जेठा भाई? अरे वो टप्पू नहीं मिल रहा है। क्या, कहाँ गया? वही तो पता नहीं, शायद गोली को पता हो। अरे आते भाई, आते भाई। कोमल भाभी, कोमल भाभी, कोमल भाभी, गोली घर में है? नहीं, गोली सुबह से घर पर नहीं है। नो, गोली भी घर में नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे टप्पू भी घर में नहीं है। हाँ तो दया भाभी यहीं कहीं खेल रहे होंगे। नहीं नहीं, मैंने सब जगह देखा, कॉम्पाउंड, गार्डन, कहीं पर भी नहीं है। कोमल, हंस, टप्पू से का एक टेंशन खत्म नहीं होता और दूसरा शुरू हो जाता है। यह टप्पू जरूर कोई नया पराक्रम कर रहा है। अरे तुमने आज फिर से दो राउंड कम जॉगिंग किया। इट्स ओके बबीता, आई एम फिट। अरे क्या हुआ वहाँ पे? चलो जेठा जी, क्या हुआ, कोई टेंशन है? बबीता जी, टप्पू कहीं चला गया है। और गोली भी? जाड़ा लाल, ये टप्पू और गोली को कल सबने डांटा, इस वजह से वो सोसाइटी छोड़कर चले तो नहीं गए? अरे दया भाभी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, टप्पू घर छोड़कर जाने वालों में से बिल्कुल नहीं है। हाँ वो दूसरों का घर छुड़ा है ऐसा है। पर टप्पू और गोली गए कहाँ? ये दोनों ही गए या पूरे टप्पू सेना गई है? एक मिनट, अरे सोठी, अरे सोठी, अरे सोठी, सूट है जेठा भाई। रोशन भाभी गोगी घर पे है? नहीं, गोगी भी घर पे नहीं है और रोशन भी घर पे नहीं है। बोलो, गोगी भी गुल और सोठी भी गुल है, तो कहाँ गए सब के सब? डेविन, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, रोशन और पूरी टप्पू से ना भिड़े भाई का स्कूटर ढूंढने गए हैं। बता तो चला कहाँ गए बच्चे? ये भिड़े का स्कूटर बंगार में गया और हमारी जिंदगी बंगार जैसे कर दी। सही बात है। फोन अति भाई, फोन देना जरा। लीजिए ना, ये लीजिए। इसमें सोटी का नंबर है ना? है ना, सी में। सी में? कह रहा हूँ। पकड़ियो साइड को। क्या हुआ? अरे फोन आ रहा है भाई, एक मिनट। अरे जल्दी। हाँ बोलो, हाथीपुरा। अरे हाथीपुरा नहीं, जेठापुरा बोल रहा हूँ सोटी। हाथीपुरा के फोन पे जेठापुरा? हाँ जेठापुरा, तुसी बोलो। टप्पू सेना तुम्हारे साथ है? हाँ हाँ, सारी टप्पू सेना मेरे साथ है, वो हम पिड़ू का स्कूटर ढूंढ रहे हैं। अरे भाई तो बता के जाना चाहिए ना। अरे वो मैंने रोशन को बताया था कि सबको बता दे, रोशन ने बताया नहीं। मुझे दीजिए ना, मुझे दीजिए। हाँ हेलो, हेलो पापा, आप चिंता मत करो, हम लोग स्कूटर ढूंढ लेंगे। अरे ढूंढ लेंगे वाड़ी, जिस भंगार वाले को तुमने स्कूटर बेचा है उसका तो कोई अता पता है नहीं, कहाँ से ढूंढ लेंगे? पापा हम लोग हर जगह हर गली जाकर भीड़ अंकल का स्कूटर ढूंढ रहे। अरे मुंबई में 50,000 गलियां हैं, कौन सी गली में कहाँ ढूंढने का स्कूटर तुम लोग? पापा हम सब ने कसम खाई है, जब तक भीड़ अंकल का स्कूटर नहीं मिलेगा तब तक हम लोग वापस नहीं आएंगे। टप्पू? पापा आप टप्पू और टप्पू सेना की फिक्र मत करो, मैं सभी का ख्याल रखूंगा।
पापा सोडी अंकल की बैटरी लो रही है। मैं नहीं नहीं फोन की फोन की। पापा सोडी अंकल के फोन की बैटरी लो रही है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय। टपू टपू टप ये टप्पू भी ना। हाँ जीता भाई मेरा फोन है। अरे हाँ सॉरी। आज जल्दबाजी में मैं अपने मोबाइल को चार्ज करने ही भूल गया। चल भाई चल फटाफट भंगार वाले को ढूंढते हैं। चलो भंगार वाले। टप्पू ने कहा कि हम लोगों ने कसम खाई है कि जब तक भिड़े अंकल का स्कूटर ढूंढ नहीं लेते हम घर वापस आएंगे नहीं। What? God, ये बच्चे भी ना इतनी छोटी सी बात पे इतनी बड़ी कसम खा ली। तो गोले ने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं खाया और कसम खा ली। टप्पू के पापा अगर स्कूटर रात तक नहीं मिले तो डेविन आज रात तो क्या ये सोची कि अगर दो दिन या दो हफ्ते तक नहीं मिली तो फिर क्या होगा। अरे दो दिन दो हफ्ते छोड़िए सोचिए मिला ही नहीं तो। अरे 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 हाँ नो मतलब कोई घर पर वापस आएगा ही नहीं। अरे 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 भाई ये स्कूटर खोने की टेंशन कम थी कि अब ये सोड़ी और बच्चों को ढूंढने की टेंशन शुरू हो गई। ये भीड़े का स्कूटर ने तो परेशान कर दिया है। जब स्कूटर सोसाइटी में था तब उसको चालू करने का भीड़े को टेंशन, अभी नहीं है तो पूरी सोसाइटी को टेंशन। जेठालाल सोसाइटी में टेंशन मेरी स्कूटर की वजह से नहीं है, तुम्हारे बेटे टप्पू की वजह से। नहीं टप्पू की वजह से नहीं है, तुम्हारी वजह से ही है। अरे माधवी भाभी बेचारे तुमको बोल बोल कर थक गए कि ये पुराना स्कूटर बेच दो नया स्कूटर लो। लेकिन नहीं, अगर आज तुमने नया स्कूटर ले लिया होता तो ये पुराना स्कूटर बंगार में बेचने की बारी नहीं आती, ये कांड होता ही नहीं पूरा। वाह 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 हे बरे बेटा बंगार में स्कूटर बेचता है और बाप ताने दे रहा है। सॉरी भीड़ भाई लेकिन अब ऐसा मत कहिए। दया भाभी बुरा मत मानिए पर आप तो जानती है कि इनको अपने स्कूटर से कितना लगाव है। स्कूटर के टेंशन में ये रात भर सोए भी नहीं है। माधवी भाभी आप चिंता मत कीजिए, अभी भीड़े के स्कूटर की चिंता मेरी चिंता है। मैं कसम खाता हूँ जब तक मैं भीड़े का स्कूटर ढूंढ कर नहीं लाऊंगा मैं घर वापस नहीं आऊंगा। मैं भी कसम खाती हूँ। अरे एक मिनट दया भाभी, इस तरह एक के बाद एक सब लोग कसम खाएंगे तो धीरे धीरे पूरी सोसाइटी खाली हो जाएगी, तो फिर मेरी शादी में कौन आएगा। अरे पोपटलाल भाई शांति रखो और तू भी शांति रख दया, सबको कसम खाने की जरूरत नहीं है। मैंने खाई है ना, मैं जाता हूँ स्कूटर को ढूंढ के आता हूँ। और भीड़े तू भी घर जाके अभी आराम कर, रात भर सोया नहीं है ना। माधवी भाभी भीड़े भाई को लेकर जाओ ऊपर है सुला दू। थैंक यू जेठा भाई। अरे चल दया चल। क्यों आपने तो मना किया है ना। अरे भाई घर चल। अरे एक मिनट जेठालाल। अरे भाई जेठालाल अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम स्कूटर ढूंढने जा रहे हो और अभी अचानक घर जा रहे हो। अरे भाई नहाने जा रहा हूँ, ये बिस्तर में सो रहा था वहां से उठा के लेके आई सीधा। सॉरी सॉरी चल दया। अरे भाई परिस्थिति ऐसी थी ना कि क्या बताऊं। अरे दया आई आई बाद में बताती हूँ। जाइए 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 आओ चला। तुम जाओ मैं आता हूँ। अरे एक मिनट भाई भिड़े अब तुम कहाँ जा रहे हो। पोपटलाल मेरा स्कूटर है तो मैं ही ढूंढने जाऊंगा। जेठा भाई ने बोला है ना वो जा रहे हैं तो आपको जाने की क्या जरूरत है। लेकिन माधवी देखिए रात भर सोए नहीं है आप, आंखें देखिए अपनी। देखो माधवी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम्हें तो रेस्ट की जरूरत है, तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल सूखे हुए आम के जैसा हो गया है। बगा आत्माराम जेठालाल ने होशियारी मार के कदम खाई है ना तो फिर उसी को ढूंढे ना। तुम क्यों टेंशन लेते हो, तुम घर जाकर आराम करो। ठीक है मैं स्कूटर ढूंढने नहीं जाऊंगा। लेकिन जब तक स्कूटर वापस नहीं आता मैं यही कंपाउंड में ही रहूंगा। आत्माराम जी अब पता नहीं क्या होगा। बेचारा भिड़े स्कूटर को कितना मिस कर रहा है, स्कूटर की जगह खुद पार्क हो गया।
होशियारी मार के कसम तो खा ली, लेकिन अभी स्कूटर ढूंढूंगा कहाँ। अरे टप्पू के पापा, अब रुक क्यों गए? चलिए। तू कहाँ आ रही है? आपके साथ। मैं कोई गोवा महाबलेश्वर घूमने नहीं जा रहा हूँ दया। पता है, लेकिन टप्पू भी नहीं है, आप भी कसम खा के जा रहे हैं, तो मैं किसके सहारे जीऊं? मैं सन्यास लेके हिमालय में हमेशा के लिए सेटल होने नहीं जा रहा हूँ। पता है, फिर भी। दया, स्कूटर मिलते ही मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तो आपको कॉम्पाउंड तक तो छोड़ने आ सकती हूँ ना? चल। ले, ये भीड़ अभी तक इधर ही है। जीत कर रहे हो, मान जाइए ना, चलिए ना ऊपर। अरे भीड़ है, अभी तक इधर ही है। देखिए ना जेठ भाई, सुन ही नहीं रहे हैं कब से। ये क्या जिद है भीड़े, घर जाके आराम कर भाई। मैंने बोला ना, मैं तेरा स्कूटर ढूंढ के लेके आऊंगा तो लेके आऊंगा। स्कूटर का नंबर मालूम है? वही पूछने के लिए मैं तेरे पास आ रहा था। अच्छा वो इधर ही मिल गया। क्या नंबर है स्कूटर का? MNQ 5865। कसम पैदा करने वाले की आखिरी कसम, कसम तेरी कसम, कसम खुदा की, कसम की कसम। तो माफ कीजिएगा, मैं हिंदी फिल्मों के वो नाम याद नहीं कर रहा हूँ जिसमें कसम है। मैं उस कसम की बात कर रहा हूँ जो गोकुलधाम में खाई गई है भाई। जेठालाल की कसम और साथ में टप्पू की कसम फ्री। भाई कसम खाना अच्छी बात है, आपके दृढ़ निश्चय का प्रतीक है, लेकिन कसम अगर जिद बन जाए तो फिर दिक्कत करती है। अब यहाँ कसम खाई गई है कि स्कूटर ढूंढ के लेके आएंगे। टप्पू सेना ने कसम खाई है कि वो लौट के नहीं आएंगे जब तक स्कूटर नहीं मिल जाता, और जब तक वो नहीं आते माँ बाप का हाल क्या होगा। और जेठालाल ने भी कसम खाई है कि वो स्कूटर के साथ ही लौटेंगे गोकुल धाम में, तब तक दया भाभी का क्या हाल होगा। भाई हमारे जैसे नेता हैं कसम खा के भूल जाते हैं, गोकुल धाम के लोग ऐसे नहीं, अगर कसम खाई है तो पूरा जरूर करेंगे। लेकिन तब तक क्या क्या हो सकता है इसकी कल्पना आप कीजिए। स्कूटर जरूर पुराना है लेकिन हंगामे नए नए और कसम हास्य व्यंग की। हंसते रहेंगे आप, देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.